Hello, friends. Welcome to Daily News Analysis of the Hindu. Today the date is 15th April 2024. So let's get started. First thing is BJP ने अपना manifesto launch करा है, but उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो worth mention हो कि आपसे concern है. ना उसमें youth के लिए कोई बात है. जैसा कि opposition ने कहा था कि 30 lakh post vacant पड़ी हुई है. क्योंकि 30 lakh गवर्नमेंट पोस्ट आर वैकेंट, बट उसका कोई मेंशन नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो में. इवन गवर्नमेंट ने खुद भी एटलीस्ट एक्सेप्ट किया पार्लियामेंट में कि 9 lakh पोस्ट वैकेंट है एज पर दैम. ओके, बट इन्होंने इस 9 lakh वैकेंसी के बारे में भी कोई बात नहीं की. राइट, और ये 9 lakh इसलिए बताते हैं क्योंकि कांग्रेस जब इसको कहती है 30 lakh, तो वो कहती है ओवरऑल, बट बीजेपी बाद में पॉलिसी लेके आई थी कि 1/3 जो रिटायरमेंट होंगे उनको हम फुलफिल नहीं करेंगे, उन पोस्ट को हम अबॉलिश करेंगे. ओके, सिमिलरली यहाँ पर एमएसपी का कोई मेंशन नहीं मिला हमें, और एमएसपी को हमने अच्छे से कवर किया है कि क्यों जरूरी है वो फार्मर के लिए. ना ही मणिपुर के बारे में कोई मेंशन मिला. ऊपर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ दिन पहले एक झूठ और बोला कि टाइमली इंटरवेंशन फ्रॉम सेंटर सेव दी मणिपुर, जबकि अभी मैं आज के पेपर में भी आपको दिखाऊंगा अभी भी वहां पर वायलेंस दोबारा शुरू हो गया है. ओके, तो प्लीज जहां भी हो, जिधर भी हो, जो भी वोट कार्ड वोटिंग करने जाओ, प्लीज ध्यान रखिएगा. इन बातों में मत आइएगा कि आर्टिकल 370 रिपील कर लिया, या अयोध्या में राम टेम्पल बन गया, या फिर ट्रिपल ट्रिपल तलाक को अबॉलिश कर दिया. ये मैटर्स वो नहीं है जो आपकी पर्सनल लाइफ से कंसर्न है. दीज आर बिगर बिगर इश्यूज, राइट. वो ये अपनी जगह ठीक है, बट पर्सनली जब तक आपके खुद के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा प्रॉपर, और आप लोग अभी शायद 21-22-23 साल के होंगे, आपको ये इस सिचुएशन की ग्रेविटी आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन जहां आपके 3-4 अटेम्प्ट निकलेंगे उसके बाद यू विल रियलाइज. ओके, और ये इस साल आपकी करीब 1100 करीब पोस्ट आई है, बट इससे ये सिर्फ इलेक्शन ईयर की वजह से. इससे पहले अगर आप देखेंगे तो पोस्ट 770 के आसपास तक ही जाती थी. ओके, और ये फिर से डिक्रीज होना शुरू होंगी, और बाय द टाइम ऑफ 2029 अगर ये गवर्नमेंट रिलेक्ट होकर आती है, आपको वापस से आपकी पोस्ट 600 के आसपास मिलेगी. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो वाजीराम में टीचर्स पढ़ाते हैं, दे यूज टू टेल अस कि हमारे टाइम पर सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता था क्योंकि हार्डली 300 वैकेंसीज आती थी, और वही दौर फिर से लौट के आएगा. तो प्लीज अपनी यूथ को ऐसे बर्बाद नहीं कीजिएगा. ओके, और इसी गवर्नमेंट के टाइम पर सबसे ज्यादा पेपर लीक देखे हमने. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी के स्टेट्स में हुए, कांग्रेस के स्टेट्स में भी हुए, झारखंड में भी हुए, राइट. लेकिन अगर सेंटर टफ होता है, सेंटर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तरीके से करता है, तो फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं होती है, किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती है कि किसी एग्जाम के पेपर लीक किए जा सके. बट दे ऑल नो कि हम आज पेपर लीक कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, दिक्कत होगी, रेट पड़ेगी ईडी जैसों की, हम जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा. ये से मेरा पर्सनल ओपिनियन, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सिचुएशन क्या है, बाकी आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको वोट किधर देना है. ओके, क्योंकि आप लोग जिस दौर में हो ना, आप सबसे टफ फेस में हो, बिकॉज एक टाइम हुआ करता था जब मीडिया आपको सच्चाई दिखाता था और आपका ओपिनियन बनता था. फिर आपके आजकल यूपीएससी के टीचर्स भी, अगर आप यूपीएससी पे यूट्यूब पे देखेंगे ना, दे आर नॉट अनबायस्ड. ओके, कुछ यूपीएससी के टीचर हैं जो इवन मणिपुर के वायलेंस को भी डिफेंड करते हैं. एक है कुछ वर्ल्ड अफेयर्स करके कोई चैनल है, ओके, यूपीएससी का ही है, वो मणिपुर वायलेंस को डिफेंड करता है कि गवर्नमेंट इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान दे रही है पहले, इधर भी ड्रग्स आते हैं, इधर भी ड्रग्स आते हैं, लोग बेवजह मणिपुर मणिपुर चिल्ला, बेवजह नहीं चिल्ला रहे हैं, बेटियों को नंगा किया गया उस स्टेट में. ओके, किलिंग ऐसी हुई है कि आप देख नहीं सकते डेड बॉडीज को, राइट. लेकिन कुछ है चैनल्स ऐसे जो प्रो गवर्नमेंट है, टोटली प्रो गवर्नमेंट है, वो ये तक नहीं बताते हैं बच्चों को, और यहां तक कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को तक डिफेंड करने आ गए कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाके तो ट्रांसपेरेंसी लाई थी. जबकि मैंने आपको थ्रू आउट द ईयर समझाया, ये जजमेंट आने के पहले से मैं आपको समझा रहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आर द वर्स्ट एवर करप्शन टू हैपन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट. तो आप लोग उस फेस में हो जहां पर ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि आप क्या सही है क्या गलत है. इसलिए इन सब मैटर्स को देखने से पहले अपनी खुद की इंडिविजुअल लाइफ में चेंज देखिएगा, अपनी खुद की फैमिली में चेंज देखिएगा कि 2014 के बाद कितनी ग्रोथ हुई है आपकी फैमिली की इनकम में, आपकी फैमिली के जो लोग हैं उनकी जॉब्स में क्या हुआ है और क्या नहीं. जब भी वोट देने जाओ तो अपनी इंडिविजुअल लाइफ को दिमाग में रख के काम कीजिएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि स्ट्रांग गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता है. मैं बार बार कहता हूँ स्ट्रांग गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रांग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट एक कंट्री में. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके इलेक्शन कमीशन जो कि वीक हुआ पड़ा है, हम देख रहे हैं, राइट. ये होते हैं आपके ईडी और सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो करप्शन को रोकती हैं, बट उनकी हालत हम सब देख रहे हैं, राइट. ये होते हैं आपके यूपीएससी जो आपके बेस्ट ऑफिसर्स चूज करते हैं जो कंट्री को अगले 30 साल तक चलाएंगे. बट एक लड़की का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है, इसकी जो रिजर्व लिस्ट है इस पे हमेशा से क्वेश्चन मार्क
रहा है कि रिजर्व लिस्ट से सिलेक्ट होने वाले बच्चों की मार्कशीट क्यों नहीं दिखाई जाती है। और यूपीएससी में काफी चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है इस वक्त। स्टेट पीएससी की तो जितनी कम बातें करें हम उतना अच्छा है, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पर स्टेट पीएससी में करप्शन नहीं हो रहा है। सो ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग लीडर, 56 इंच एंड ऑल दिस, इन सब बुलशिट में मत फंसना। ये 2014 के टाइम एक पूरी जनरेशन को बेवकूफ बना चुके हैं, अब दोबारा इन चीजों में नहीं फंसना। अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखिए कि आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या नहीं, और उस हिसाब से अपने वोट को डिसाइड कीजिएगा। ईरान वॉन्ट्स इसराइल रिटेलिएशन विल ट्रिगर लार्जर रिस्पॉन्स। अब देखिए, ईरान ने कहा है, एक तो क्या है, इसके 99% इसने जो भी ड्रोन और रॉकेट्स और मिसाइल्स लॉन्च किए थे वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए, और अकेले इसराइल ने नहीं किए, इसराइल के साथ यूएसए भी था, यूके भी था और फ्रांस भी था, यूएस, यूके, फ्रांस एंड इवन जॉर्डन ने भी इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब जॉर्डन के एयर स्पेस से ही होकर जा रहे थे इसराइल की तरफ। अब इसराइल को, ईरान को डर ये है कि इसराइल रिटेलिएट ना करे कहीं, तो वो वार्निंग दे रहा है कि इससे फिर और बड़ा रिस्पॉन्स करेंगे हम अगर आप रिटेलिएट करने आते हो तो। बट ट्रस्ट मी, अगर गोइंग विथ माई एक्सपीरियंस, अगर इस वक्त इसराइल रिटेलिएट करेगा तो वो सिर्फ एक ही जगह हिट करना चाहेगा, वो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ईरान के। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इसलिए क्योंकि आप हर अटैक को रोक सकते हो, लेकिन द लास्ट थिंग दैट इसराइल विल वॉन्ट कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले। तो अगर अटैक करना होगा अब इसराइल को, तो वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन यानी कि उसके सेंट्रीफ्यूगल प्लांट्स जो हैं उन पर अटैक करेगा, ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी डेवलप ना कर ले। ऑलराइट, सो ईरान हैज वॉन्ट इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स दैट मच लार्जर रिस्पॉन्स इफ देयर इज एनी रिटेलिएशन फॉर इट्स मास ड्रोन एंड मिसाइल अटैक ऑन इसराइली टेरिटरी ओवरनाइट। अमेरिका डिड नॉट सी कंफ्लिक्ट विद द ईरान बट वुड नॉट हेसिटेट टू प्रोटेक्ट इट्स फोर्सेस एंड इसराइल। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे इसने, बट ये बहुत रेयरली थोड़ा सा डैमेज कर पाए। एक इनका मिलिट्री बेस था इसराइल का, वहां पर हिट हुआ है। यूएस, ब्रिटेन, जॉर्डन, इवन फ्रांस, इन सब ने मदद की इसराइल की। नाउ ये ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कि काफी सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं, जबकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये गलत तरीके से हो रहा है, ये इलीगल तरीके से हो रहा है प्राइवेट में। क्योंकि कई लोग होते हैं जो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट पे थे, सपोज कोई इंडियन सी थे कुछ, वो वेटिंग लिस्ट पे थे ऑलरेडी कि आपको, अब अगर कोई ऑर्गन आता है तो वो आपको दिया जाएगा, बट ये इस वेटिंग लिस्ट को बाईपास करके कोई फॉरेनर आता है पैसे लेके और वो पहले ये ट्रांसप्लांट कर जाता है इलीगल तरीके से। तो सेंटर ने ऑर्डर की है प्रोब इन टू द फॉरेनर्स रिसीविंग ऑर्गन एज द नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट सर्स। नो सी, मैंने आपके साथ इस पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये चीजें जरूरी है। एक तो ये थोटा एक्ट, थोटा एक्ट स्टैंड फॉर दिस ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994। ये एक्ट मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और एनटीटीओ ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरे का डेटा यानी कि रजिस्ट्री मेंटेन करके रखता है, तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसकी, मैं आज दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। हो सकता है आप में से कुछ ने पहले देखा हो ना देखा हो, बट अगर नहीं भी देखा होगा तो आपको ग्रुप में कहीं ना कहीं इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट जब डिस्कस किया था, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जो भी न्यूज में रहा है मैं आपके साथ डिस्कस करते चला हूँ, बट अब न्यूज पेपर में मैं आपके साथ इस डिस्कशन को ज्यादा लेंदी नहीं रखूंगा डेली, बट आई विल कीप ऑन टेलिंग यू वॉट एवर टॉपिक्स यू नीड टू रिवाइज। ओके, सो आपकी जो भी नोट्स हैं उनसे आप ये एक्ट रिवाइज करेंगे और साथ में इस बॉडी के बारे में रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज से मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे एक प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ है आपको। नाउ यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इन टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इन्वॉल्विंग फॉरेन नेशनल्स। क्योंकि काफी सर्च देखा गया है इन दी नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स लिंक टू फॉरेनर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि देयर इज नीड फॉर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ सच ट्रांसप्लांट्स बाय अथॉरिटीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्योंकि द हिंदू की एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि कमर्शियल डीलिंग्स हो रही है फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स इन फॉरेनर्स। तो ये जो एक रजिस्ट्री मेंटेन करता है हमारा NOTTO, इट रिवील्ड दैट सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन नेशनल्स गेटिंग ऑर्गन थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और अब ये को बात कोई छुपी हुई नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई बार जो थोड़े बहुत गरीब लोग आ भी जाते हैं, अगर वो जैसे डेड हो गए, जैसे सपोज कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, कोई लावारिस लाश आई, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा पुलिस ने, तो वहां से ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं, उसे बाद में वापस पैक करके दे दिया जाता है और आपस में थोड़ा बहुत पैसा वैसा खिला देते हैं, पुलिस वालों को भी, हॉस्पिटल वालों को भी, सबको, और फिर वही ऑर्गन लाखों करोड़ों रुपए में एक फॉरेन नेशनल को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के करप्शन इंडिया में कोई न्यू नहीं है, लेकिन इसके केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तब जाकर मिनिस्ट्री की नींद खुली है कि हमें इसके बारे में कुछ देखना चाहिए।
नो, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट की जाती है अंडर दिस ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 टू इन्वेस्टिगेट ट्रांसप्लांटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन नेशनल्स। इसके अलावा वी नीड टू इंश्योर दैट ए यूनिक एनओटीटीओ आईडी फॉर बोथ डोनर एज वेल एज रेसिपियंट ऑफ ऑर्गन इज जनरेटेड बाय द हॉस्पिटल्स कंसर्न इन ऑल केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। नाउ अगर वायलेशन होता है अंडर दिस एक्ट द अथॉरिटीज वर टोल्ड टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर परफॉर्मिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। उस हॉस्पिटल को, उस सर्जन को सस्पेंड किया जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंडक्ट नहीं कर सकते अब से, क्योंकि और इवन उस हॉस्पिटल्स को भी जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। टू प्रिवेंट द कमर्शियल डीलिंग्स इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अलर्ट इशू किया था इन फेब्रवरी दैट मैनी फॉरेन नेशनल्स आर कमिंग टू इंडिया फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड पॉसिबली ऑफ वायलेशन ऑफ द वीजा रूल्स। ठीक है, ये लोग इलीगल तरीके से आके और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। वीक्स लेटर एनओटीटीओ रिवाइज द गाइडलाइंस ऑफ ऑर्गन एलोकेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट। नाउ फोकस ऑन दिस, ठीक है, फेब्रवरी में ये अलर्ट इशू किया, उसके बाद कुछ हफ्ते बाद ही इसने रिवाइज गाइडलाइन जारी की एनओटीटीओ ने, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर फॉरिनर्स टू गेट ऑर्गन्स फ्रॉम डोनर्स और ब्रेन डेड पेशेंट्स। फॉरेनर्स के लिए डिफिकल्ट बनाया गया, डोमेस्टिक जो हमारे खुद के सिटीजन है उनके लिए नहीं। ठीक है, फॉरेनर्स के लिए डिफिकल्ट बना दिया गया आफ्टर एंड आफ्टर द न्यू गाइडलाइंस केम इनटू फोर्स द नंबर ऑफ इंडियन पेशेंट्स गेटिंग द लाइफ सेविंग ऑर्गन्स वेंट अप बाय 56% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ओके, फॉरेनर्स के लिए डिफिकल्ट बनाया हमने कि इनको ऑर्गन नहीं मिलना चाहिए इतनी आसानी से, और उसका नतीजा मिला दिखा हमें कि हमें 56% इंक्रीज देखने को मिला अपने खुद के इंडियन पेशेंट्स में जिनको ऑर्गन्स की जरूरत थी। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेनर्स आता है, काफी सारे पैसे लेके आता है, हॉस्पिटल्स वाले खुश हो जाते हैं, तो वो ये जो इंडियन जो वेट लिस्ट पे था कि मैं ऑर्गन का वेट कर रहा हूँ, इसको बाईपास कर जाते हैं और हॉस्पिटल सीधे सीधे इस फॉरेनर को ट्रांसप्लांट कर देते हैं ऑर्गन। ओके, तो ये दोनों बॉडी इस एक्ट के बारे में और इस बॉडी के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, आपके पास नोट्स ना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल अपलोड इन द ग्रुप। क्योंकि पहले कर चुका हूँ तो मैं सेम चीजें बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है फोकट, और अभी तक तो आपकी ये सब चीजें तैयार हो जानी चाहिए। अब ज्यादा टाइम है नहीं एग्जाम में, और मैं वैसे भी मेरी जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज थी उसे मैं 30 अप्रैल तक अब खत्म कर दूंगा, क्योंकि तो जितने टॉपिक्स मुझे कराने थे आपको वो करा दिए मैंने। अनदर इंडियन मिलिट्री टीम लेफ्ट मॉलडीव्स, तो ये केस आपको पता ही है पूरा इंडिया मॉलडीव्स का, बाकी मेन्स के लिए मैं आपको तैयार कराऊंगा। वो इंडिया ने वही कहा है कि वी आर सीरियसली कंसर्न अबाउट दी ईरान इसराइल हॉस्टिलिटीज। वैसे हमारे कोई ज्यादा लोग नहीं रहते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी एज ओवर पूरी जो गल्फ रीजन है उसमें काफी रहते हैं, 8 मिलियन ओके 80 लाख इंडियंस रहते हैं गल्फ रीजन में। तो अगर ये कन्फ्लिक्ट बाइडन होता जाएगा, पहले आपका गाजा पे गया, फिर लेबनान सीरिया पे थोड़े बहुत स्ट्राइक करता रहा इसराइल, राइट, फिर हमास की वजह से रेड सी में डिसरप्शन हो गया, और अब ये ईरान का इन्वॉल्वमेंट। तो अगर ये पूरा गल्फ रीजन को अपनी गिरफ्त में लेगा तो ऑब्वियस बात है हमारे 80 लाख से ज्यादा इंडियंस इससे इंपैक्ट होंगे। सिर्फ ईरान और इसराइल की बात करें तो ईरान में रहते हैं करीब 10,000 इंडियंस, और इसराइल में रहते हैं करीब 18,000 इंडियंस। नाउ सी, प्रोटेस्ट इरप्ट इन मणिपुर ओवर किलिंग ऑफ टू कुकीज ऑफ विलेज वॉलंटियर्स। अभी तक ये मैटर इसी तरह से जा रही है। अब जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से कैसे सरकार चला सकते हैं, ये तो गलत है, तो यार मणिपुर पे भी आज भी बीरेन सिंह ही चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, जबकि इस लेवल का वायलेंस देखा गया वहां पर। इन्होंने मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन नहीं किया, और ना ही इन्होंने मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन किया, मैं दोनों को ही गलत कह रहा हूँ। ठीक है, इनको भी कायदे में रिजाइन कर देना चाहिए था, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही हो इनको भी रिजाइन कर देना चाहिए था, बट दोनों ने नहीं किया है। क्योंकि अब लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग नहीं मिलते हैं जो एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है और रिजाइन कर देते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वो लीडर्स ही और थे, वो दौर और था, वो वी वर लकी टू हैव दोज पीपल। एनीवे, कुकी जो एंड मणिपुर वाला, इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया है हमें ये किए हुए। देखिए, मणिपुर में एक तरफ है प्लेन एरियाज जिसको हम वैली कहते हैं, और दूसरी तरफ है हिल्स एरियाज, राइट। हिल्स एरियाज में जो मोस्टली रहते हैं दे आर दी कुकीज एंड प्रिडोमिनेटली देवर क्रिश्चियंस, ठीक है, कुकीज जो कम्युनिटी। सिमिलरली प्लेन वैलीज में जो रहते हैं दे आर मोस्टली कॉल्ड एज मिताई कम्युनिटी एंड दीज पीपल आर हिंदू कम्युनिटी। अगर मणिपुर की पॉपुलेशन की बात करें हम तो करीब 54% है मिताईस एंड करीब बाकी के 46% है आपके कुकीज जो कम्युनिटी, राइट। तो ये कन्फ्लिक्ट अब कुछ ऐसा बन गया, और जो चीफ मिनिस्टर है वो आते हैं मिताई कम्युनिटी से, मिस्टर ब्रेन सिंह। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैंने तो अपनी 54% वोट कंसोलिडेट कर ली, तो मुझे कोई डर नहीं। कुकी जो का एक रीजन ये है कि एक तो पहली बात तो ये है, ये एक तो क्रिश्चियंस हैं
और ऑब्वियसली मिशनरी स्कूल्स का बेनिफिट मिला, तो ये एजुकेशन थोड़े आगे हैं ये, ठीक है, दे आर हाईली एजुकेटेड, ऑलराइट। और उसके बाद फिर इनको रिजर्वेशन भी मिलता है। फिर मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि आप मिताइस को भी रिजर्वेशन दीजिए, तब जाकर कुकीज ने पहले इस वायलेंस की शुरुआत की कि ये रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो आप मिताइस को। ओके, तो वहां से ये पूरा इशू शुरू हुआ। और अब सेंटर ने पूछा है मणिपुर गवर्नमेंट से, क्या आप मिताई डिमांड कर रहे हैं कि रिजर्वेशन हमें चाहिए, वो तो अपनी जगह ठीक है, आप इन कुकीज को रिजर्वेशन से बाहर कीजिए। तो सेंटर ने रिस्पॉन्स मांगा है मणिपुर गवर्नमेंट का कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपका क्या स्टैंड है, कि कुकीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और ये कुकीज जो वही हैं जो मेजोरिटी इनकी पॉपुलेशन मिजोरम में रहती है, ठीक है, और इन्हीं के कुछ और भी एथनिसिटी के लोग म्यांमार साइड भी रहते हैं। ओके, तो ये सब हमने साल भर देखा है, जस्ट शॉर्ट रिवीजन। नाउ अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स ओवर द पैक्ट एक्सटेंशन विद कुकीज जो ग्रुप। अब देखिए, कुकीज जो ग्रुप के साथ 2008 में ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट किया गया था बाय सेंट्रल होम मिनिस्ट्री एंड मणिपुर गवर्नमेंट, ठीक है। इनकी एक अम्ब्रेला बॉडी हुआ करती थी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ इन्होंने 2008 में एक एग्रीमेंट किया कि चलिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट साइन करते हैं, ना सरकार आपके अगेंस्ट वायलेंस करेगी ना आप हमारे अगेंस्ट वायलेंस किएगा। ओके, ये इन्होंने साइन किया और इसको बार 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 एक्सटेंड करते रहे, ठीक है। तो ये पीस बना रहा, लेकिन अब मिताई कम्युनिटी डिमांड कर रही है, या आप कह लीजिए कि पूरी की पूरी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि ये जो पैक्ट साइन किया था आपने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का, इस पैक्ट को अब एक्सटेंड मत कीजिए और इस ग्रुप के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और इसको एकदम खत्म कीजिए, डिसमेंटल कीजिए, राइट। तो अभी तक इस पर अनसर्टेनिटी बनी है, सेंटर ने कोई अपना स्टैंड क्लियर किया नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट रेफ्यूज टू सेंड ए रिप्रेजेंटेटिव टू द मीटिंग कॉल्ड बाय सेंटर टू एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विद कुकीज ओ इंसर्जेंट ग्रुप। तो यहाँ पर इसके लिए मीटिंग होनी थी कि क्या इसको एक्सटेंड करना है, तो वहां पर मणिपुर गवर्नमेंट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा ही नहीं। द ट्राइपर्टाइट पैक्ट वॉज साइंड इन 2008 बिटवीन कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड मणिपुर, एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड पीरियोडिकली सिंस 2008। बट अब मणिपुर गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एक्सटेंड ना किया जाए। दे वर स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम द वैली, यानी कि मिताई डोमिनेटेड रीजन, टू एब्रोगेट द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट। क्लियर? हाँ, नाउ दिस इज समवॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, वी ऑल नो कि बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, और हमारा यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ, एक्सपैंड करना शुरू हुआ। अब ये सब, ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये सब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? हम लोग करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू। तो अब हमें ये जानना है क्या ये हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, या ये एकदम फ्लैट है कि नहीं हो रहा है, और या फिर ये हो रहा है बट ये अब स्लो स्पीड से हो रहा है, जैसे कि इनिशियली एक्सपेंशन हुआ होगा उससे थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो हो रहा है। तो देखिए, तीन चीजें निकल के आती हैं। पहली कि ये एकदम स्फेरिकल फॉर्म में एक्सपेंड हो रहा है, एकदम स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक। दूसरी कि ये हो रहा है थोड़ा सा सैडल के फॉर्म में, जैसे आपने वो हॉर्स पे बैठते हैं जिसपे वो देखा होगा ना, जैसे ये इस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट स्ट्रेच होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से एक्सपेंड होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं आके ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये भी मतलब ये दोनों जो पॉइंट है इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि बस एक्सपेंशन इस तरीके का हो रहा है, पैरेलल टाइप का, पैरेलल लाइंस चली जा रही है, एक्सपेंशन होता जा रहा है पूरा का पूरा, और ये कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है। यानी हमारा यूनिवर्स एकदम इनफाइनाइटली एक्सपेंड करता रहेगा ओवर द टाइम, सिर्फ हो क्या रहा है कि इसकी एक्सपेंशन की स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो होती जा रही है। तो ये तीन थ्योरी इसके लिए दी जाती है। तो इन तीनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर इन लोगों ने जो मॉडल यूज करा है टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, उस मॉडल को ये लोग कह रहे हैं लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर, ठीक है, लैम्डा सीडीएम। तो अगर कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कि ये क्यों न्यूज में था लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर, तो ये डेवलप किया गया था टू अंडरस्टैंड दी फीचर्स ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन किस तरीके से हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं। तो ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने ये मॉडल तैयार किया, लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर। ओके, ये यूनिवर्स के सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जैसे रेडिएशन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग हुआ, काफी सारे स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, और इनकी जो रेडिएशन थे उनके कुछ ना कुछ लेफ्ट ओवर रह गए। सिमिलरली अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, ये हमारी मिल्की वे तो सिर्फ एक गैलेक्सी है, ऐसे कई गैलेक्सीज हैं, तो उनका अरेंजमेंट किस तरीके से, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, एंड द फैक्ट दैट यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो ये तीन चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लैम्डा सीडीएम थ्योरी। अब हमारा अर्थ क्या है,
सॉरी यूनिवर्स क्या है, क्या वो ओपन है, क्या वो क्लोज्ड है, या वो फ्लैट है, इसको समझिए। 14 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग इवेंट हुआ और यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ। ठीक है, तो हो सकता है कि ये एक्सपेंशन फॉर एवर भी चले, बट अगर सपोज ही कहीं पे जाकर ये एक्सपेंशन रुक जाए एक टाइम पे, क्यों रुकेगा, क्योंकि यूनिवर्स में क्या है, प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल है, सब कुछ है, ठीक है, सबके पास अपनी अपनी ग्रेविटी है। तो अब ये सोचिए कि कोई चीज है जो यहाँ पे एक्सपैंड हो रही थी, कुछ चीज है जो इन सबके अराउंड एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है, लेकिन ये सबकी ग्रेविटी भी तो एक पुल लगा रही होगी ना कि बस अब और दूर मत जाओ हमसे। तो अगर इन सभी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबकी ग्रेविटी हो सकता है कि कल को रोक दे अब इस एक्सपेंशन को, कि अब आप और एक्सपेंशन नहीं हो सकता। ठीक, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एट सम पॉइंट एक्सपेंशन कैन स्टॉप बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय गैलेक्सीज, तो फिर हमारा जो यूनिवर्स होगा वो एक क्लोज सिस्टम बन के रह जाएगा कि बस हो गया जितना एक्सपेंशन होना था, अब नहीं हो सकता। राइट, अब ये जो क्लोज यूनिवर्स होगा ना, इसमें पॉजिटिव कर्वेचर होगा, यानी कि ये इस तरीके का होगा। ये दो पॉइंट है, ये यहाँ पे बस जो एक्सपेंशन होना था हो गया। ठीक, अब ये जो ग्रेविटीज हैं, जो बॉडीज हैं इसके अंदर, ये सब इसकी इसको होल्ड कर रही हैं कि बस अब नहीं जा सकते आप इससे ज्यादा दूर। है, तो ऐसे में हमारा जो क्लोज यूनिवर्स बनता है वो एक पॉजिटिव कर्वेचर बनाता है, लाइक इट जस्ट ए स्फीयर, और ये फिर पूरा का पूरा एक क्लोज सर्कल जैसा स्फीयर बन जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा यूनिवर्स हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट हो जाएगा, लिमिटेड, कि बस एक फिक्स शेप है, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ओपन यूनिवर्स हुआ, ओपन यूनिवर्स एक सैडल की तरह होता है, जैसे कि आप वो घुड़सवारी वाली जो सीट होती है उसकी तरह होता है। राइट, सो ओपन यूनिवर्स में यहाँ पर जो स्पेस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रैप करना शुरू करता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव कर्वेचर कह रहे हैं, रिजेम्बलिंग ए सैडल, जो हॉर्स पे बैठने वाली जो होती है उसकी तरह से। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है। राइट, फिर अब जो ये दो हो गई पॉसिबिलिटी, क्लोज एंड ओपन। ठीक है, नाउ अब थर्ड पॉसिबिलिटी जो बन के आती है वो ये कि यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू एक्सपेंड फॉर एवर, हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा, बट द रेट ऑफ एक्सपेंशन विच इज करेंटली इंक्रीजिंग। अब ये बात याद रखिए कि अभी हमारा जो यूनिवर्स का रेट ऑफ एक्सपेंशन है, ये तेज हो गया है, उल्टा, इट इज करेंटली इंक्रीजिंग, ये स्पीड बढ़ती जा रही है, बट इवेंचुअली इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो ये तीन मॉडल समझ में आए, ओपन, क्लोज एंड फ्लैट। फ्लैट यानी कि बस आपकी ये दो स्ट्रेट लाइन समझिए, बस इसी तरीके से आगे आगे एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, ये एकदम फ्लैट, और ये दो लाइनें कभी मिलने नहीं वाली है, तो ना तो ये एक स्फीयर बनेगा, ठीक है, और ना ही ये एक सैडल का शेप लेगा, ये कोई सा शेप नहीं लेगा, ये बस इनफाइनाइटली इसी तरीके से एक्सपेंशन करता रहेगा हमेशा। यूनिवर्स विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग जस्ट स्लोअर एंड स्लोअर, तो ये अल्टीमेटली हमें क्या बना के देगा, एक फ्लैट यूनिवर्स। ठीक है, ना ओपन है ना क्लोज है, एकदम फ्लैट है। स्फेरिकल स्फेरिकल या सैडल शेप जो स्पेस होता है उसमें लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं, ठीक, क्लोज वाला हो या ओपन वाला हो, दोनों में कहीं ना कहीं लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव बना रहा होगा, नेगेटिव बना रहा होगा, बट कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो फ्लैट वाला है वो इंटरसेक्ट नहीं होती, वो बस स्ट्रेट स्ट्रेट एक्सपैंड करता रहेगा करता रहेगा। ओके, नाउ कॉस्मोलॉजिस्ट जो है, जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, इन्होंने कैसे ये सब नतीजे पर पहुंचे कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड तो हो ही रहा है, बट अभी करंटली इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, बट ओवर द टाइम स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये नतीजे पर पहुंचे बाय स्टडिंग द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, दैट इज CMB। CMB में सब कुछ होता है, इट इज अ सी ऑफ फोटॉन्स, द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, उसी का, उस सारे फोटॉन्स का एक्यूमुलेशन ही कहलाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। दीज आर द लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग बैंग। साइंटिस्ट हैव मेजर द टेम्परेचर चेंजेस इन दिस CMB। ये इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये लोग उसको स्टडी करते हैं, और फ्रॉम हियर दे फाउंड दैट इट हैज नियरली जीरो कर्वेचर, ना पॉजिटिव कर्वेचर है ना नेगेटिव कर्वेचर है, जीरो कर्वेचर है, यानी कि ये दोनों लाइनें जो जा रही हैं ये कभी इंटरसेक्ट होंगी नहीं, यानी कि ये लूप कभी बंद होगा ही नहीं, ये यूनिवर्स इसी तरीके से इन्फाइनाइटली एक्सपैंड करता रहेगा। और इसी के थ्रू इन लोगों ने ये माना कि क्योंकि इसका जीरो कर्वेचर है, पॉजिटिव होता तो स्फीयर बन जाता, ठीक है, नेगेटिव होता तो सैडल शेप बन जाता, लेकिन जीरो कर्वेचर है इसलिए इन्होंने कहा कि यूनिवर्स जो है वो फ्लैट है एकदम। क्लियर, अब इन सभी स्टडीज पे बेस्ड इन्होंने ये कहा कि जो स्पेस है हमारा वो एक्सपैंड कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्स, और 1 मेगा पार्स इक्वल होता है 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स। अब 1 लाइट ईयर हम लोग नहीं सोच सकते, तो 3.26 मिलियन लाइट ईयर, और फिर ये तो सिर्फ 1 मेगापार्स बनेगा, और एक्सपेंशन का रेट क्या है, 68 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्स, बहुत ज्यादा है। तो एक तो हो गया CMB मेथड, ठीक
ठीक है, हमने कॉस्मिक को स्टडी कर लिया। दूसरा मेथड है इसका कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। अब ये दोनों चीजें भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। ओके, फर्स्ट थिंग इज कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एंड सेकेंड इज कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। ये सब टेक्निक्स क्या हैं, ये क्या करती हैं? तो ये मेजर करती हैं, दीज आर ऑल टेक्निक्स यूज टू मेजर द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज, फर्दर अवे और वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ। ओके, तो ऐसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लें सेपरेट वेरिएबल स्टार, तो इसके ऐसे जितने भी स्टार्स हैं इनके बीच के डिस्टेंस, क्योंकि अब जितना दूर होंगे उस हिसाब से इनकी लाइट टिमटिमाएगी, राइट? तो उसमें जो ब्राइटनेस होगी उसी से ये लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये कितना दूर हैं। जैसे अगर सपोज दो थे, ठीक है, तो इनके बीच में जितनी लाइट ब्राइटनेस शो हो रही थी, अगर ये ब्राइटनेस में कुछ चेंज आ रहा है तो ये समझ में आता है कि ये दोनों और दूर दूर जा रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहा है। ओके, सो बेस्ड ऑन हाउ द ब्राइट एक सेफिड वेरिएबल इज, साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट हाउ फार अवे इट इज। ओके, तो फिलहाल के लिए एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स जो है वो कुछ इस स्पीड से चल रहा है। इन लोगों ने अलग अलग टेलीस्कोप यूज करे, यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप भी यूज करा और ह्यूबल। पहले इन्होंने माना कि ह्यूबल पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो फिर उन्होंने जेम्स वेब को डिस्कवर किया। तो फिर इनको समझ में आया कि नहीं यार, दोनों लगभग सेम इवेंट ही दे रहे हैं। तो फिर इनको ये समझ में आ रहा है कि इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को इन्होंने टर्म किया, दे कॉल्ड इट एज वेयर इज दैट वर्ड, ह्यूबल टेंशन। ठीक है, ह्यूबल टेंशन इज रियल एंड द ओरिजिन रिमेन्स ए मिस्ट्री। द बेस्ट वे टू फॉलो दीज स्टार्स इज यूजिंग द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन दे एमिट। हर स्टार एमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन, बट अनलाइक विजिबल लाइट द रेडिएशन कैन पास थ्रू इंटरवीनिंग डस्ट क्लाउड एंड रीचर्स। ओके, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ये आपकी क्लाउड्स वगैरह को, डस्ट को पास कर जाती है, और इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया गया। मैंने आपको इन दोनों में शॉर्ट नोट दिया था, दोनों का डिफरेंस भी बताया था, ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ओके, इन दोनों टॉपिक्स को तैयार रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, इसमें डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है दोनों में। मैंने आपको नोट्स दिए हैं इस पे। जेम्स वेब टेलीस्कोप कैन ट्रैक बोथ नियर इंफ्रारेड रेडिएशन एंड हैज इंस्ट्रूमेंट गुड इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेडिएशंस फ्रॉम टू स्फेराइड वेरिएबल स्टार्स क्लोज टू ईच अदर इन द स्काई। ओके, तो यहाँ से कुछ एक बातें काम की लगी थी तो हमने बात कर ली। ये मैनिफेस्टो डिस्कस कर रही है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये अर्बनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। ये बोल रहे हैं कि अंबेडकर जी मानते थे कि जो विलेज है ना वहां पे कास्टिज्म ज्यादा होता है, अगेंस्ट द दलित ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। विलेज में इनको आउटसाइड एरिया में रहने को कहा जाता है कि आप विलेज से थोड़ा आउटसाइड में रहेंगे, ठीक है। आप कह सकते हो कि इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है घेटोज, कि ये पूरी लोकेलिटी दलित की हो गई विलेज में, ठीक है, और वहां पे हर जगह डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, चाहे वो टेम्पल विजिट को लेकर हो या फिर वो वहां पे स्कूल्स वगैरह में एडमिशन की बात हो, या फिर कोई पब्लिक फेस्ट हो, वहां हर जगह पे विलेजेस में आपको डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसा अंबेडकर जी का ओपिनियन था। बट इन्होंने कहा कि विलेज में क्या है, लोग बर्थ पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, और जो सोशल मोबिलिटी हो, सोशल मोबिलिटी हम लोग इस टर्म में कहते हैं कि क्या एक लोअर कास्ट आदमी भी अच्छा पढ़ लिख के या अच्छा पैसा कमा के अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव कर सकता है या नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। तो विलेज में सोशल मोबिलिटी का स्कोप कम होता है। अर्बन एरियाज में तो इन्होंने दलित को हमेशा कहा था कि आप पढ़ लिखिए और अर्बन एरियाज में मूव कीजिए, विलेजेस में मत रहिए, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है। अर्बन एरियाज में मूव कीजिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी जो स्किल्स आप गेन करोगे, जो एजुकेशन आप गेन करोगे, उससे जो मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल आपकी इंप्रूव होगी। ओके, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी सोशल मोबिलिटी इंप्रूव होगी और डिस्क्रिमिनेशन आपको कम फेस करना पड़ेगा। तो अंबेडकर जी हमेशा अर्बन एरियाज में मूवमेंट को ज्यादा एनकरेज करते थे फॉर द दलित, राइट? जैसे कि हमारे यहाँ इंदौर, इंदौर में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, ओके, तो वहां उतना डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो मिनी मुंबई भी कहते हैं उसे, अच्छा खासा डेवलप है, राइट? लेकिन वही ऐसे पॉपुलेशन को अगर आप थोड़ा सा छतरपुर, ठीक, आप लोग नहीं जानते होंगे इन डिस्ट्रिक्ट के नाम, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे तो वहां पर एससी के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक विलेज में डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो आज भी बर्थ में बिलीव करते हैं कि बर्थ के थ्रू ही सब कुछ होता है, इवन वो डाइट, उनकी फूड हैबिट्स पे भी, कि तुम लोग किस तरह का नॉनवेज खाते हो, वैसा खाते हो। सिमिलरली अर्बन एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन हमें कम मिलता है क्योंकि ड्यू टू योर एजुकेशन स्किल्स एंड मटेरियलिस्टिक वेल्थ दैट यू एक्यूमुलेट, अर्बन एरियाज में आप अपनी सोशल मोबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो। अम्बेडकर सेड दैट इंडियन विलेजेस इज द वर्किंग प्लांट ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर, वाइल गांधी सेड इंडियन विलेजेस आर सेल्फ रिलायंट, इक्विटेबल एंड ए जस्ट नॉन वायलेंट ऑर्डर।
इक्विटेबल तो कहीं से नहीं थे इंडियन विलेज, ना तब थे ना आज है। सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन विलेजेस में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। और ये हमने खुद भी अपने बचपन में अपने गांव वगैरह में देखा है, जहाँ बड़े बुजुर्ग दलित बच्चों पर टॉन्ट मारते थे कि तू भी स्कूल जाएगा तो हमारे ये ढोर कौन चराएगा, आई मीन कैटल हर्डिंग, वो कौन करेगा। इस तरह के टॉन्ट हमने देखे हैं अभी, मतलब हमसे 20-25 साल पुरानी बातें कर रहे हैं हमसे, तो ये इस तरह के टॉन्ट हमने उन बच्चों को कसते हुए देखे हैं। तो फिर आप अंबेडकर जी और गांधी जी के टाइम पे तो इमेजिन कर ही सकते हैं कि सिचुएशन क्या रही होगी। एंड आर्ग्यूड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द विलेजेस थ्रू ग्राम स्वराज। गांधी जी बिलीव करते कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, बट सच्चाई ये है कि हिस्ट्री हमें बताती है कि सबसे ज्यादा अगर दलित पे अत्याचार हुए हैं तो पंचायत के ऑर्डर्स के थ्रू ही हुए हैं। अर्बनाइजेशन एंड अम्बेडकर बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, अम्बेडकर सॉ अपॉर्चुनिटी फॉर दलित लिबरेशन, और बिल्कुल सही भी था उनका ओपिनियन। ही बिलीव दैट सिस्टम ऑफ कास्ट ऑपरेशन दैट थ्राइव इन इंडियन विलेजेस बिकम वीकर इन द सिटीज। यस दिस इंक्लूडेड सेग्रीगेशन ऑफ दलित इन टू घेटोज, रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिनाइल ऑफ लैंड ओनरशिप। विलेजेस में हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है, उनकी मूवमेंट पर, उनका रेसिडेंशियल एरिया थोड़ा सा अलग थलग बनाया जाता है गाँव के मेन एरिया से, लैंड ओनरशिप डिनाई की जाती है उनको। अर्बनाइजेशन में हमें देखने को मिलता है ट्रांजिशन फ्रॉम कास्ट बेस्ड ऑर्डर टू क्लास बेस्ड ऑर्डर। अर्बनाइजेशन में आपके रिच और पुअर को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जबकि विलेजेस में आपकी कास्ट को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। नो मैटर कि अब वहां से एक दलित अगर सरपंच ही बन जाएगा तो भी उसके सोशल मोबिलिटी या रिस्पेक्ट में उतना चेंज देखने को नहीं मिलता है हमें विलेज एरिया से। अंबेडकर जी ने भी एक पैम्फलेट लिखा था वेटिंग फॉर ए वीजा, उसमें अंबेडकर जी ने कहा था कि इवन आई फेस स्ट्रगल टू फाइंड ए हाउस इन बड़ौदा। और इनफैक्ट इनके साथ नागपुर में तो और ज्यादा बुरा हुआ था कि इनको एक रूम दे दिया था किसी ने, क्योंकि उसने पूछा भी नहीं कि तुम दलित हो कौन हो, क्योंकि लॉयर थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, तो ये मान लिया कि फॉरवर्ड कास्ट ही होगा, ठीक है, उन्होंने बताया भी नहीं। फिर अगले दिन उनके घर के बाहर लोग लाठी डंडे लेकर इकट्ठे हो गए मारने के लिए कि एक दलित हमारे इलाके में रहने कैसे आ गया, फिर वो पीछे के दरवाजे से बच के भागे। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया है। तो आज जो लोग डिनाई करते हैं कि ये रिजर्वेशन खत्म करो वो करो, पहले आप को काफी सारी चीजें चेंज करनी होंगी, उसके बाद आज भी आप देखिए, अगेन डोंट टेक इट पर्सनली, बट आज भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक ब्राह्मण अपने यहाँ अगर रेंट पे किसी को रख रहा है तो वो एक दलित को अपने यहाँ रेंट पे रहने देगा। एक्सेप्शन होंगे, बट मेजोरिटी का परसेप्शन जो है कि एक ब्राह्मण अपने घर में रेंट पर एक दलित को शायद नहीं रखेगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया इवन टूडे। इवन अंबेडकर जी ने ये भी कहा कि इवन द स्किल्ड दलित्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द वीविंग सेक्शन ऑफ द टेक्सटाइल मिल। ठीक, इवन उस टाइम जब भी टेक्सटाइल्स वगैरह चलती थी, सिलाई मशीन के काम, तो वहां भी दलित का एक अलग रूम होगा, ठीक है, आप लोग उस रूम में जाके काम कीजिए, इधर दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कास्टिज्म छोड़ा नहीं, और आज से नहीं यार, 5,000 साल हो गए हैं बट इंडिया ने कास्टिज्म नहीं छोड़ा आज तक। आज भी वो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन जैसे कंसेप्ट में बिलीव करते हैं। सवर्न स्पेस कंसिडर्ड एज प्योर, पॉल्यूटेड बाय दलित बॉडी। अब ये इसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें मुस्लिम्स के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है। जैसे गुजरात ने बैन कर दिया था सेल ऑफ मीट बेस्ड स्ट्रीट फूड ऑन द सिटीज मेन रोड, साइटिंग रिलीजियस सेंटिमेंट। तो थ्रू दिस ब्राह्मिनिकल रेगुलेशन द स्टेट हैज कैरेक्टराइज मीट एज एन इम्प्योरिटी दैट कुड पॉल्यूट ए पब्लिक स्पेस। क्रिपलिंग सेग्रीगेशन, अर्बन गवर्नेंस पॉलिसीज एंड हाउसिंग क्राइसिस हैव ऑल्सो सस्टेन्ड कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन। मुस्लिम्स एंड दलित्स फेस द मोस्ट क्रिपलिंग सेग्रीगेशन। ठीक है, मुस्लिम्स में तो हमें अभी भी देखने को मिलता है शहरों में कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। जैसे हर शहर में आपको दो तीन ऐसी लोकेलिटी मिलेगी जहाँ से मुस्लिम्स ही रह रहे हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन इसमें भी हमको देखने को मिलता है, ना सिर्फ दलित के कंटेक्स में बट मुस्लिम्स के कंटेक्स में भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर दलित घेटोज एंड मुस्लिम घेटोज में ज्यादा पुअर होता है, दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट दैट। वाइल ट्रांजिशन टू सिटी लाइफ माइट हैव वीगन सम स्ट्रक्चर्स ऑफ कास्ट ऑपरेशन, दे हैव मॉव थ्रू लैंग्वेज, स्टेट सैंक्शन एंड पॉलिसी हैव इवॉल्व टू अलाउ कास्ट टू थ्राइव इन इंडियन सिटीज। इवन अगर आप किसी एग्जाम में देखेंगे ना तो सी एंड डी ग्रेड में, एक एक जॉब थी आई थिंक राजस्थान में, सी डी ग्रेड पे ही कोई पोस्ट था, उसमें ईडब्ल्यूएस की एप्लीकेशन ही इतनी कम आई थी कि एक बंदा नेगेटिव मार्क के पे भी सिलेक्ट हो गया था। क्यों? बिकॉज ईडब्ल्यूएस किसको अप्लाई हो रहा है? ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। और सी और डी ग्रेड की जॉब्स में ज्यादा फॉर्म भी नहीं भरे जाते हैं ईडब्ल्यूएस की तरफ से, ठीक है। हर जगह की सच्चाई नहीं है, ठीक है, जहां ज्यादा जॉब क्राइसिस है वहां तो ऑब्वियसली, बट राजस्थान का केस था कि कुछ ऐसे सफाई कर्मचारियों की
एग्जाम्स निकल के आते हैं कभी कभी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, जहाँ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स तो फॉर्म भरना भी नहीं चाहते, लेकिन वो फॉर्म बेचारे दलित टाइप के बच्चे ही ज्यादा भरते हैं। तो ये चीजें हैं सोसाइटी में रियलिटी, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते इतनी आसानी से जब तक कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन ना दें। क्योंकि देखिए आज भी अगर आप देखेंगे तो एक तरफ है प्राइवेट स्कूल्स, एक तरफ है गवर्नमेंट स्कूल्स। अब गवर्नमेंट स्कूल में जाके जब मन करे तब जाके सर्वे कर लेना, आपको मिल जाएगा कि गवर्नमेंट स्कूल में अधिकतर SC ST के बच्चे ही जा रहे हैं, मोस्टली मेजोरिटी। अगर 100 हैं तो उसमें से 80 ST SC के मिलेंगे, और फिर वहां पे किस क्वालिटी की इनको टीचिंग मिल रही है वो हम सब देख ही रहे हैं। उसके बाद जब आप बड़े होते हो, 12th के आगे आते हो, फिर आप आते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस करने, और फिर वहां पे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि रिजर्वेशन क्यों दिया है। नहीं तो प्राइवेट स्कूल में आपको जो क्वालिटी मिली होगी, इन बच्चों को जो क्वालिटी मिली होगी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो फेयर कॉम्पिटिटिव, इसलिए इसलिए तमिलनाडु नीट को अपोज करता है मोस्टली, वो बहुत अपोज करता है नीट को कि आप ऐसे कॉमन एग्जाम नहीं बना सकते इंडिया लेवल पे। या तो फिर आप एक कॉमन स्कूल बोर्ड कीजिए, ओके, एंड सिमिलरली कॉमन कॉमन स्कूल रेगुलेशन कीजिए। सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, एक जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक जैसी टीचिंग क्वालिटी होगी, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आज कुछ है तो एक ऑल इंडिया सर्विस चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, दिस वॉज रिकमेंडेड बाय वेंकट चलैया कमेटी दैट वॉज सेटअप टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहा था इंडियन एजुकेशन सर्विस एंड इंडियन हेल्थ सर्विस की सख्त जरूरत है देश को, और उन्होंने साथ में इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस भी रेकमेंड की थी। ठीक, तो अगर आप सारी नहीं कर सकते, एटलीस्ट एजुकेशन सर्विस की जरूरत है देश को, क्योंकि इस इंडिया ने हर चीज में इन्वेस्ट करा, बट पिछले कुछ साल में स्पेशली इंदिरा गांधी जी के बाद से, उसके बाद से इंडिया ने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया। पिछले 30-40 साल से सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज खुलना लगभग ना के बराबर हो गई है। बस जनता को खुश करने के लिए कुछ IITs खोल दिए जाते हैं, कुछ IIMs खोल दिए जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक फाउंडेशंस हैं स्कूल लेवल पर, और जो मेजोरिटी बच्चे तो जाते नहीं है IIT IIMs में, ठीक है, आपके देश के 90% स्टूडेंट्स तो नॉर्मल इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बट कोई गवर्नमेंट सीरियस नहीं। एंड BJP के मैनिफेस्टो में आप एजुकेशन से रिलेटेड चीज कभी नहीं देखेंगे। अगर आज सबसे बुरे कहीं स्कूल्स की हालात हैं तो वो हैं गुजरात में, जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, सबसे बुरा एजुकेशन का हाल इस वक्त गुजरात में। चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमने एक बार बात की थी कि यहाँ पर 6,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए इन लोगों ने। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट थे, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इनका नेक्सस था, क्योंकि उनका सबका गोल एक ही था, रेवेन्यू अर्न करना है, ये सफारी वगैरह चलानी है। फिर कोर्ट ने उसके अगेंस्ट एक कमेटी बिठाई और इनको कहा कि आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे। इन इट्स रूलिंग इन मार्च, सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट टू द लाइट द अनहोली नेक्सेस ऑफ पॉलिटिशियंस, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलिंग ऑफ 6,000 ट्रीज इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्योंकि स्टेट ने अपना मेन फोकस सिर्फ एक ही चीज पे रखा हुआ है, वो है रेवेन्यू जनरेशन करना है बस। ओके, 1983 में एक केस आया था, गोदावर्मन से पहले का केस है, बट ये केस का नाम याद मत रखिए, बट ये वर्ड्स याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड पीपल्स राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट। ठीक है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट से ही निकल के आई थी। ऐसा नहीं है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हम जंगलों को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, कि चलिए रेवेन्यू अर्न करना है बस, ऐसा नहीं होता। नाउ गवर्नमेंट्स ने क्या किया, उन्होंने इको टूरिज्म को प्रमोट किया। इको टूरिज्म के थ्रू ये गोल अचीव करना चाहते थे कि हम कंजर्वेशन भी कर पाएंगे फॉरेस्ट का, और साथ में हम रेवेन्यू जनरेशन भी कर पाएंगे, एंड इम्प्रूव भी होगी वहाँ के लोकल लोगों की लाइवलीहुड, जैसे सपोज कोई गाइड बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन गोल थे इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अप्रोच मस्ट बी ऑफ इको सेंट्रिसिज्म एंड नॉट एंथ्रोपो सेंट्रिसिज्म, यानी कि इकोलॉजी को आप सेंटर पे रखिए अपनी पॉलिसी मेकिंग की, ना कि एंथ्रो यानी एक ह्यूमन बींग्स को रखिए सेंटर पे। ओके, इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसीज बनाइए, ना कि ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रखते हुए। द कोर्ट डायरेक्टेड द बैनिंग ऑफ टाइगर सफारीज इन कोर एरियाज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमेटी। ठीक है, इसी जजमेंट में इसने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं विच विल एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ परमिटिंग टाइगर सफारीज इन पेरिफेरल एरियाज इन नॉट जस्ट जिम कॉर्बेट बट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये कमेटी एग्जामिन करेगी पूरे इंडिया में कि क्या क्या ये फिजिबल है कि हम टाइगर सफारीज को अलाउ करें पेरिफेरियल एरियाज में सभी नेशनल पार्क के। इट ऑल्सो डिसाइडेड विद 2019 गाइडलाइंस, जो कि NTCA लेकर आया था, इट परमिटेड ए टाइगर सफारी ऑन द लाइन्स ऑफ ए जू इन नेशनल पार्क। तो ये 2018-19 में इन्होंने गाइडलाइंस जारी की NTCA ने कि हम टाइगर सफारी परमिट कर रहे हैं इन द नेशनल पार्क, तो इसको भी डिसएग्री किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए यहाँ से NTCA के बारे में जानना जरूरी है, मैं तो ये सब करवा चुका हूँ आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं और उस सीरीज में एनरोल नहीं थे, एटलीस्ट प्लीज ये सब टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिएगा, ये एग्जाम में आएंगे आपको।
ये सब पता होना चाहिए इनके बारे में, कब बने, किस एक्ट के अंडर में बने, स्टैट्यूटरी है या नहीं। इंडिया हैज लॉस्ट 90% ऑफ एरियाज अंडर इट्स फोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, हमारे पास फोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कैन यू नेम दैम इन दी कमेंट सेक्शन। एक चार चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के पास, अगर बता सकते हो तो बताओ। नाउ रिकवरिंग रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन डज नॉट अमाउंट टू नेसेसरीली रिकवरिंग द लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन लोगों ने पेड़ काट दिए 6 से 6 हज़ार से ज्यादा, अब आप कॉस्ट रिकवर करने को कह रहे हो, ऑफिसर से करेंगे, पॉलिटिशियन से करेंगे, ठीक, कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन उससे इस फॉरेस्ट की जो कैपेबिलिटी थी टू प्रोवाइड वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, क्या वो कैपेबिलिटी हम दोबारा से डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। ओरिजिनल फॉरेस्ट जो सदियों से था उसको काट के आप सोचें कि हम अब प्लांट लगा देंगे दोबारा, तो उससे आप रिकवर नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब रिकवर के लिए आपने दो कॉन्सेप्ट लेकर आए, पहले लेके आए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लेवी, यानी कि जो कैंपा फंड में पैसा जाता है वही, ठीक है, कि हम अगर आप यहाँ पे पेड़ काट दें तो दूसरी जगह लगाइए। और लेकिन इससे भी जब बराबर नहीं देखा गया तो वे दूसरा कंसेप्ट लेके आया नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। पहले ये जो लेवी था, इट इज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट डिजाइन टू रिप्लेस द फॉरेस्ट लैंड विच वॉज लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट टुवर्ड्स नॉन फॉरेस्ट्री यूज। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ से अगर पेड़ काटने पड़ रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, सपोज कि हमें कोई डैम बनाना था, तो फिर इतने ही पेड़ हम दूसरी जगह लगाएंगे। बट उसके बाद ये भी इनसफिशियंट रहा, तो कोर्ट ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू इन 2002 एज एन एडिशनल पेमेंट ऑब्लिगेशन। बट बोथ दीज मेथोडोलॉजीज डू नॉट राइटली अकाउंट फॉर द कोरिलेशन बिटवीन रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड हार्म कॉज टू अदर एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हाट इज दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू? सी, एक पेड़ जो था वो काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ था पहले से। ठीक, आपने जब ये पेड़ कट किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सारी आपकी रिलीज हो गई। अब आप न्यू पेड़ अगर लगा भी देते हो तो क्या वो सेम सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा इकोसिस्टम को जितनी कि ये पेड़ कर रहा था जिसको आपने काट दिया ऑलरेडी, जो काफी सालों से था। ओके, तो उसी को डिटरमिन किया जाता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आप पैसे दीजिए जितना नुकसान आपने पहुंचाया। एक पेड़ के बदले एक पेड़ देना बराबर नहीं होता, ठीक, उसी को कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। फर्टिलिटी रेट है काफी ड्रॉप हो रहा है एशियन कंट्रीज में, कपल्स चूजिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, कई लोग हैं ऐसे स्पेशली बैंगलोर में जो बच्चे करना ही नहीं चाहते। सिटीजन्स ऑप्टिंग टू रिमेन सिंगल, काफी लोग हैं, क्योंकि इनफैक्ट रीजन इज कि हमारे यहाँ कुछ लॉस ऐसे हैं जिसने लड़कों को काफी परेशान किया है। अगेन मैं एनसीआरबी का ही डेटा कोट करूंगा, पर्सनल सोच नहीं बता रहा हूँ अपनी। उसने कहा था 54% जो केसेस आए थे डोमेस्टिक वायलेंस के, दे अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी फेक। ठीक है, कई बार डोमेस्टिक वायलेंस केस जबरदस्ती किए जाते हैं बिकॉज लड़कियां शादी तो कर लेती हैं पहले, बट उसके बाद वो चाहती हैं कि हमें न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना। तो फिर वॉट एवर फालतू के ड्रामे, लड़ाई झगड़े एंड ऑल दोस कोर्स। ओके, अगेन नॉट टारगेटिंग ऑल दी वीमेन, बट एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से ऐसा निकल के आता है कि काफी सारे फेक केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो काफी सारे लोगों ने तो ये मान लिया है कि हमें सिंगल ही रहना है। इवन वेमेन आर प्रेफरिंग टू बी रिमेन सिंगल, अगर उनका करियर अच्छा खासा है सेटअप तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेफर कर रही है सिंगल रहना। और बॉलीवुड में तो हम लोग देख ही रहे हैं, बस वो बच्चा हो जाए शादी के बाद और उसके बाद वो डिवोर्स ले लेती हैं, मतलब ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऋतिक एंड सुजन। एंड देन स्पेलिंग कॉस्ट टू रेज चिल्ड्रन, ऑल दिस फैक्टर हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। अब देखिए, ये कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन का सबसे बड़ा इशू आता है एजुकेशन। ठीक, बहुत कॉस्टली होता जा रहा है, काफी ज्यादा कॉस्टली, जितना तेजी से इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है उतना ही तेजी से कॉस्टली भी हुआ है। तो पेरेंट्स सोचते हैं एक ही बच्चा हो उसको ही अच्छे से पढ़ा लेंगे, राइट। तो अब ये जरा देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 1950 टू प्रेजेंट कितने तेजी से डिक्लाइन हुआ है। चाइना का एक टाइम पर 7.5 था 1950s में, अब 1.16 है। जापान 3.65, 1.26, ताइवान 7 से 0.87, ये तो 1 से भी नीचे चला गया है। सिंगापुर का भी 1 से नीचे चला गया है। साउथ कोरिया 1 से नीचे चला गया, हांगकांग 1 से नीचे चला गया है। ये तो पॉपुलेशन की तो डिक्लाइन की तरफ चली गई है। इनफैक्ट साउथ कोरिया हांगकांग को तो पॉलिसी लेके आनी पड़ी कि हम आपको पैसे देंगे, आप बच्चा तो कीजिए, राइट। उनको बहुत अच्छे खासे, और ये पर मंथली इतना पैसा देता है, ये 1 मिलियन वॉन, 5 लाख वॉन। ओके, सिमिलरली हांगकांग भी लेके आया कि हम आपको 20,000 हांगकांग डॉलर देंगे फॉर ईच बेबी बॉर्न टू पेरेंट। सिंगापुर भी लेके आया, 11,000 देंगे सिंगापुर डॉलर, हम आपको 13,000 देंगे, बेबी होगा तो बोनस कैश गिफ्ट भी देंगे आपको। जापान भी लेकर आया 15,000 येन, 10,000 येन, पर मंथ अलाउंस दे रहे हैं ये लोग इतना। क्योंकि उनका क्या है, वहां के लोगों का भी ये कहना था कि ये चीजें कॉस्टली बहुत हो गई है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है बच्चों को बड़ा करने, तो ये सरकारें आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है।
ये वीवीपैट का ऑडिट को लेकर है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम से काम आएगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। यहाँ पर एक वर्ड है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डॉक्सिंग। डॉक्सिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ डिजिटली पब्लिसाइजिंग ए पर्सन प्राइवेट डिटेल इज कॉल्ड डॉक्सिंग। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आप कहीं पर डांस वांस कर रहे थे क्लब में, किसी ने वहां से आपका वीडियो बना लिया और यूट्यूब पर डाल लिया और वो वायरल हो गया, बट आप चाहते नहीं थे कि मेरा वीडियो वहां डाला जाए, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्सिंग। डिजिटली पब्लिसाइज की जा रही है आपकी प्राइवेट डिटेल्स, या आपका सपोज कि आप घर वालों से बिना बताए क्लब गए थे, आप वहां डांस कर रहे, वहां से आपका वीडियो वायरल हो गया। ठीक है, तो ये प्राइवेट डिटेल्स थी जो कि आप नहीं चाहते थे कि पब्लिक हो, लेकिन किसी ने डिजिटली इसको पब्लिश कर दिया है, इसी को कहते हैं डॉक्सिंग। द एक्ट ऑफ डिजिटली पब्लिसाइजिंग ए पर्सन प्राइवेट डिटेल इज कॉल्ड डॉक्सिंग। डॉक्सर्स जनरली पब्लिसाइज हाईली पर्सनल डेटा सच एज होम एड्रेस, फोन नंबर्स, प्राइवेट ईमेल आईडीज, मेडिकल कंडीशंस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर, लाइव लोकेशन, ओके कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंड सो ऑन। बट द थिंग इज कि ऑब्टेन करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू इलीगल मेथड। अब आप कुछ कर रहे हो, अगर कोई ऐसे आपका पब्लिक में वीडियो भी बना लेता है तो वो इलीगल ही है, अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट लीगल। कोई आपका वीडियो इस तरह से नहीं बना सकता, कोई मेट्रो में ऐसे आपका फोटो नहीं खींच सकता, ऑल दीज आर इलीगल मेथड। बट अगर इस तरह इस चीज को फिर वो कहीं पे पुट कर देता है डिजिटली और वो चीज इधर उधर शेयर होने लगती है, सपोज कि आपने जस्ट इमेजिन सिनेरियो कि मेट्रो में किसी लड़की ने कुछ अलग कपड़े पहने, किसी ने फोटो खींचा, उस पर डाल दिया किसी मेट्रो में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, अब वो वायरल हो जाता है, नीचे लोग वल्गर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्सिंग। सच एज हैकिंग और थेफ्ट, पब्लिसाइजिंग प्राइवेट और सेमी पब्लिक कंटेंट दैट एन इंडिविजुअल डिड नॉट इंटेंड। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट, कि वो इंडिविजुअल चाहता नहीं था कि ये चीज मेरे बारे में पब्लिश की जाए। ओके, इंडिविजुअल डिड नॉट इंटेंड टू शेयर फॉर पब्लिक कंजम्पशन कैन रिजल्ट इन डॉक्सिंग एंड हैरेसमेंट। क्योंकि ये केस भी निकल के आया था अभी कि यहां पर एक मैन ने एक शेयर कर दिया था वीडियो एक लड़की का डांस करते हुए एक इवेंट पर। और फिर उसको कंपेयर कर दिया कि देखिए ये तो ऐसे डांस कर रही है जैसे कि सेक्स वर्कर करती है, तो ये केस निकल के आया था मुंबई पुलिस के सामने। ठीक है, तब जाकर ये डॉक्सिंग वर्ड सामने आया। ओके, फर्दर मोर डॉक्सिंग इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन पर्सन फिजिकल डिजिटल एंड इमोशनल सिक्योरिटी। अब सपोज कीजिए कि किसी बच्चे का फॉर वट एवर रीजन, कि अगर सपोज कीजिए उसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, कि वो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहा है फॉर वट एवर रीजन से, अब अगर कॉलेज में कोई उसकी ये बात पब्लिश कर दे कि देखो इसकी मेडिकल रिपोर्ट देखो, ये तो दिमाग में इसके दिक्कत है, ये मेंटली अनस्टेबल है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आप कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, तो ये क्राइम है, ये नहीं अलाउ है, राइट? और इस तरह की चीजें बच्चे करते हैं बुली करने के लिए। ओके, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, ठीक है, एक होता है वेस्टर्न और एक है हमारा ईस्टर्न वाला। वेस्टर्न शुरू होता है यूपी से और वो जाता है आपका मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, यूपी के दादरी से। ईस्टर्न वाला शुरू होता है आपका पंजाब के जलंधर से और ये जाता है आपका बंगाल में हुबली तक, राइट? ये बातें याद रखिएगा क्योंकि आप पिछले साल भी इस तरह क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, राइट? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब ये फ्राइट से क्या समझ रहे हो? फ्राइट का मतलब ये है कि यहाँ पर अलग से रेलवे ट्रैक डाले जाएंगे, अलग से रेलवे ट्रैक डाले जाएंगे जिसमें से वो ट्रेनें चलेंगी जो फ्राइट लेके जा रही है, फ्राइट यानी जिनको हम मालगाड़ी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये बसेस खड़ी हुई है और इधर ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, और ये इनको कैरी कर रहा है, और क्योंकि इनकी स्पीड अच्छी रहे इसमें पैसेंजर ट्रेन इस ट्रैक पर नहीं चलती है। ठीक है, ये डेडिकेटेड है ये कॉरिडोर, दीज कॉरिडोर्स आर डेडिकेटेड ओनली टू कैरी दी फ्राइट, यानी कि माल ढुलाई मालगाड़ी के लिए ही डेडिकेटेड बनाए गए ये, ताकि स्पीड से सामान पहुंच सके, कि यूपी के नोएडा में कुछ फोन मैन्युफैक्चर हुए उनको तेजी से हम एक्सपोर्ट के लिए मुंबई पोर्ट तक पहुंचा सके। ठीक है, या यूपी दिल्ली की किसी मंडी में फ्रूट्स वेजिटेबल्स आए फ्रेश, उनको तेजी से एक्सपोर्ट के लिए आगे पहुंचाया जा सके। ओके, और मैंने इसका कंपेरिजन का डेटा भी दिया था आपको कि इंडिया में जो हमारी स्पीड है इसकी, हमारी जो मेन ट्रेन से पैसेंजर उनकी ट्रेन की स्पीड है जस्ट 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाइना में पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर, फुल ट्रेन चलती हैं, और हमारे यहाँ पर जो हमारी पैसेंजर फ्राइट ट्रेन हैं ये मालगाड़ी टाइप की, इनकी स्पीड है हार्डली 25 किलोमीटर पर आवर, वहाँ चाइना में है इसकी ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। तो वहाँ पर जो भी सामान बनता है वो बहुत तेजी से वो उनके पोर्ट्स तक पहुंचता है और वहां से एक्सपोर्ट हो जाता है।
ठीक है, हमारा काफी स्लो था, तो इसी को इंक्रीज करने के लिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेकर आई थी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स का कंसेप्ट। समझ में आया? ठीक है, 18 ईयर्स लगे इसको कंप्लीट होने में, और अभी भी ऑलमोस्ट 90% ही कवर हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और 2843 किलोमीटर का रेलवे कॉरिडोर है ये। हाफ ऑफ दी अब दी बेस्ट थिंग इज कि अब इसको जितना टाइम पहले लगता था करीब 24 आवर्स लगते थे, अब सिर्फ हाफ टाइम लगेगा। बाय रोड जब हम जाते थे तो 24 आवर्स तक लगते थे, लेकिन अब जब हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स के थ्रू जाएंगे तो जस्ट 12 आवर्स लगेगा। ओके, तो आप कह सकते हो कि हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे हमारी थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस किया। कैन यू टेल मी विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दिस रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ओके, नाउ दो विंग है इसके, ईस्टर्न कॉरिडोर जो कि शुरू होता है लुधियाना से और जाता है आपका बंगाल के हुबली तक, दूसरा है आपका वेस्टर्न जो शुरू जो जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई तक और शुरू होता है दादरी उत्तर प्रदेश से। ठीक, इसका 88% काम कंप्लीट हो चुका है और ईस्टर्न वाले का 90%। इससे कॉस्ट सेव होगी नियरली 50%, टाइम भी सेव होगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो होते थे रोड्स के थ्रू, ट्रक के थ्रू, ठीक है, उसमें भी काफी मिलियन टन्स की कमी देखी जाएगी अगले 30 साल तक। ईरान इसराइल बाय अटैकिंग इसराइल ईरान सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर इसराइल ईरान ने एक सिग्नल भी दिया है कि मुझे बार बार आप जो सैंक्शन लगाते रहते हो यूएसए, ठीक है, इसने जो ईरान की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट क्रिपल कर रखा है, ट्रंप आया उसने वो डील खराब कर दी। ठीक, तो ईरान ने कहीं ना कहीं बताया है कि हमारा जो पेशेंस था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आप हमारे रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो सीनियर कमांडर से इनको हिट करते रहते हो, कभी आपने इराक में मार दिया था जनरल सोलेमनी को, फिर अब इसराइल ने सीरिया में ईरान का जो कॉन्सुलेट है वहां पे अटैक करके मार दिया, तो कहीं ना कहीं ये ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अब और पेशेंस नहीं रखना चाहते हम। ईरानियन एम्बेसी को हिट किया था डमेस्कस सीरिया में इसराइल ने, उसी के रिस्पॉन्स में उसने ये सब टारगेट लॉन्च किए इसराइल पे। नाउ बाइडेन की जो पॉलिसी थी ऑन कंटेनिंग वेस्ट एशियन क्राइसिस, ये तो वर्क नहीं कर रही है, ये क्राइसिस कंटेन होने की बजाय उल्टा फैलते जा रहे हैं। इट कैरिड आउट एयर स्ट्राइक इन सीरिया एंड लेबनन, इसराइल ने करता रहता है वहाँ, हिजबुल्ला है लेबनन में, सीरिया का गोलन हाइट्स से डिस्प्यूटेड टेरिटरी, मेनली टारगेटिंग ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज। ईरान लॉस्ट ए नंबर ऑफ सीनियर कमांडर्स इन इसराइली अटैक्स इन सीरिया। यूएस कैप्स अप्लाइंग वेपन्स टू इसराइल थ्रू आउट द कंफ्लिक्ट एंड स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट यमन हाउतीस इन द रेड सी। इस कैंपेन का नाम बता सकते हो मुझे? ठीक है, हमने डिस्कस किया था, यूएस ने ऑपरेशन लॉन्च किया था अगेंस्ट द हाउथी रेबल्स इन द रेड सी। इस जगह का नाम याद रखना, एब्रिल। ठीक है, ये इराकी कुर्दिस्तान में आती है। हिजबुल्ला ने भी यहाँ पे रॉकेट फायर करे हैं एट द गोलन हाइट्स, सीरिया में आता है। सूडान के रिस्पेक्ट में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैप करवाया था सूडान का, ठीक है, इसके नेबर कंट्रीज देख लेना, पूछी जा सकती है। और इसमें यहाँ पर सिविल वॉर की वजह से फूड क्राइसिस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपके साथ रिविजन सीरीज में वीडियो डिस्कस किया था अबाउट फूड, सॉरी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, ओके, तो ये सारे इनिशिएटिव्स मैं आपको प्रीलिम्स में करा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो बार बार न्यूज़ में आ रही है इसको रिवाइज करते चलिएगा, एग्जाम के लिए बेटर होगा। सोलोमन आइलैंड, अभी 2 दिन पहले मैंने आपके साथ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज डिस्कस की थी न्यूज़पेपर डिस्कशन के साथ ही, वहाँ पे हमने देख लिया था सारी लोकेशन, पॉलिनेशिया, मैरिनेशिया एंड सो ऑन। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।